डेंगू से बचाव के लिए हमारे नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। निरंतर हम कार्य करा रहे हैं। हमारे पास 106 से अधिक टीमें निरंतर कार्य कर रही हैं। हर वार्ड में, हर मोहल्ले में एंटीलावल करा रहे हैं। शहर के किसी भी क्षेत्र में डेंगू का आउटब्रेक नहीं हुआ है। हम लोग इतने प्रयास कर रहे हैं, सघन छिड़काव कर रहे हैं। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस साल डेंगू के बहुत ही कम रोगी पाए गए हैं। कम से कम 50% डेंगू रोगियों की संख्या में हम कमी लाने में सफल हो गए हैं। अभी तक हमारे पास मात्र 126 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी समय पिछले वर्ष 300 केस रिपोर्ट हो गए थे। तो तुलनात्मक रूप से इस बार हम डेंगू पर नियंत्रण पाने में सफल हो रहे हैं। ये CMO की टीम और नगर निगम की टीमें, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, घर घर जा कर के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि आप पानी, आप क्या कहते हैं, रुका हुआ पानी ना रखें। कूलर में, अगर कूलर नहीं चलाते हैं तो उसमें पानी जो उसको पलट दें और पानी बदलते रहें, क्योंकि उसमें डेंगू के लार्वा हो जाते हैं। इस तरह हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर कभी डेंगू के केसेस पाए गए हैं तो उनको भी पिछले वालों तो उनको चिन्हित करके उसमें हम लोग ज़्यादा वहाँ सैनिटाइजेशन और छिड़काव सब करा रहे हैं। और इसमें ये है कि हम लोग पंपलेट भी छपवा रहे हैं कि लोगों को प्रसिज करें कि जैसे कि आप पानी ना इकट्ठा करें, पानी बदलते रहें। इस तरह का हम लोग लोगों को शिक्षित भी करेंगे। आज यहाँ सुबह चला गया अभी हम लोग यहाँ पर करके विभिन्न टीमें वार्डों में जाएंगी, वहाँ पूरा छिड़काव और वो एंटी फॉगिंग भी करेंगे। सब यहाँ से जितनी मशीनरी सब वार्डों में जाएंगी, यहाँ से हम समय वो शुरुआत कर लेंगे। गाड़ी खड़े तब खा रहे और ठीक है, बहुत आगे भाई। भैया क्या हाल है? अरे कहा है ना साहब, भैया साहब ना रहिए तो बस दिक्कत हो जाएगी, उनका बहुत जरूरी है। इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए।